तो आज अपन तुम लोग को पिक्चर का स्टोरी सुनाएगा। पिक्चर का नाम क्या? बाहुबली 2। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पिक्चर नहीं है बल्कि एक सवाल है कि कटप्पा ने बाहुबली को काय को मारा। हाँ, तो अपन तो पिक्चर देख के आया है, तो अगर अपन तुम लोग बताएगा कि काय को मारा तो साला तुम लोग अपन को मारेगा। इसलिए अपन पिक्चर का स्टोरी एकदम शॉर्ट में समझाएगा, एकदम शॉर्ट में। तो पिक्चर का हीरो कौन? अपन का प्रभास, बोले तो बाहुबली। और विलन कौन? उसी का इस भाई, वो अपना शाणा, शाणा नहीं राणा, राणा डब्बू पट्टी। हाँ, पिक्चर में नाम क्या? भल्ला। तो ये जो भल्ला है इसको बनने का होता राजा, लेकिन जो माँ बोलती कि नहीं 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 तू राजा नहीं बनेगा, राजा तो बाहुबली बनेगा। तो माँ राजा को बोलती है कि बेटा तू एक हफ्ते में राजा बनने वाला है, तो एक काम कर, जरा महल के बाहर जा और देख कि प्रजा को क्या प्रॉब्लम है। राजा का फर्ज होता है कि प्रजा का प्रॉब्लम देखने का, तो देख पब्लिक को क्या क्या तकलीफ है। और उसी तकलीफ के चक्कर में अपन के हीरो को दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ मिल जाती है। कौन? पिक्चर की हीरोइन। और हीरोइन ऐसी वैसी नहीं है, अरे कुंतल देश की राजकुमारी, नाम क्या? देवसेना। और हाँ भाई लोग, आखिर पिक्चर में वो भल्ला और उसका बाप कटप्पा को कुत्ता कुत्ता बोलता है। साला अपन को समझ नहीं है कि उसका नाम कटप्पा है कि कुतप्पा है। तो ये चक्कर में अपन का भल्ला हल्ला मचाता है, बोलता है ये सही है, हीरोइन किसकी? प्रभास की। महल किसका? प्रभास का। राजा कौन? प्रभास। और शबाश, अपन को क्या ठेंगा? माँ ऐसे नहीं, अपन कुछ चाहिए। तो उसकी माँ बोलती है बेटा टेंशन क्यों ले रहा है, हीरोइन की शादी अपन तेरे साथ करती है। तो ये सुनकर साला प्रभास टेंशन में, बोलता है नहीं 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 अपन को तो हीरोइन अपन को चाहिए। हाँ, तो माँ बोलती है एक काम कर बेटा, इधर आ मुझे बता तेरे को राजगद्दी चाहिए या हीरोइन की गोदी चाहिए। तो प्रभास सोचता है, सोचता है, बोलता है माँ नहीं 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 अपन को तो हीरोइन की गोदी चाहिए, हीरोइन की गोदी। हाँ वो चाहिए, वो चाहिए अपन को। बस उसी दिन से माँ और बेटे के बीच में झगड़ा, देख पक गया ससुराल में लड़की आई नहीं और झगड़ा पहले से शुरू। तो ऐसे जब अपना प्रभास लाइफ में सेटल हो जाता है और उसकी माँ बोलती है कि अपन का बेटा सेटल हो गया, उसको वैसे ही घर का टेंशन, बीवी का टेंशन, वो क्या महल का टेंशन संभालेगा। उसी चक्कर में वो उसको सेनापति बनाती है और भल्ला को राजा बनाती है। तो अभी तुम लोग सोचोगे कि ये तो साला सेटल हो गया, एक राजा बन गया, तो कटप्पा को प्रॉब्लम क्या था? उसने क्या को बाहुबली को मारा? हाँ, क्या प्रभास ने कटप्पा को शादी भी नहीं बुलाया था इसलिए मारा, या कटप्पा को प्रभास भी कुत्ता कुत्ता बोलता है, या कुत्ते की तरह काम करने के बावजूद उसको दिवाली का बोनस नहीं देता है, क्या प्रॉब्लम है, काय को मार दिया? ये अगर जानने करेगा तो पक्का देखना बाहुबली 2 कंक्लूजन। हाँ, अपन के नज़दीकी सिनेमा घरों में। और हाँ, पिक्चर का डायरेक्टर है वो साउथ का है, और जो अपन का प्रोड्यूसर है वो बॉलीवुड का है, करण जौहर। और पिक्चर में जो अपना हीरो है उसने पेड़ को, मतलब ट्रीज को, बहुत बार काटेला है, बहुत बार कभी जलाला है, कभी उखड़ेला है। अपन को तो लगता है कि करण जौहर ने पहले इस BMC को बहुत सारा फाइन दिया है लेकिन इतना फाइन देने के बावजूद भी पिक्चर बहुत कमाने वाली है। तो अपन की तरफ से पिक्चर को 5-स्टार रेटिंग, पक्का देखना 5-स्टार रेटिंग वाली पिक्चर बाहुबली 2। और हाँ पक्या, करण जौहर इतना कमाने वाला है कि करण जौहर के बेटे के पोते भी आराम से बैठ के खाने वाले हैं, ऐश करने वाले हैं। पक्का देखना बाहुबली 2 कंक्लूजन।